अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे YouTube फैमिली। अच्छा यार, मैंने डेली मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन ये है कि मैंने डेली ना ये देखें पानी रखा हुआ, दाना भी डाला है सारा। डेली रूटीन है, मैं सुबह जब भी उठता हूँ ना तो पहले ये दाना डालता हूँ, ये परिंदों को दाना डाल के पानी डाल के फिर भी अपनी यानी कि दिन स्टार्ट करता हूँ। दिन तो स्टार्ट वैसे हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह सुबह उठता हूँ नमाज के लिए। ठंड काफ़ी है, बहुत ही ठंड है। ठीक है, तो आज का भी लोग ऐसे ही मेरी रूटीन जो दिन की है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे दिन का स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, पूरा दिन की जो मेरी रूटीन है इंशाल्लाह आपको वो सारी बताऊँगा। ठीक है, तो आप भी ऐसा करें, क्या करें कि परिंदों को पानी रखें। ठीक है, मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी भर के रख दें, कुछ नहीं जाता, कोई महंगा सौदा नहीं है। ये 40-50 की ये मट्टी की बनी हुई ना, ये पानी का मशकीला जैसे होता है ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें पानी भर के मुख्तलिफ़ जगह पे रख दें। ठीक है, दाने डाल दें। ठीक है, इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी, अल्लाह आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटर कर देगा। ठीक है, ये अभी भी ये सामने देखें वो परिंदे खा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या करें यार। अल्लाह मियाँ, अल्लाह कितना नेमतें, कितनी चीज़ें आपको दे रहा है। ठीक है, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सेहत सेहत दी हुई है आपको, तो प्लीज़ आप भी ये परिंदे को दाना डालें। ठीक है, अच्छा मैं ये नहीं कर रहा, मैं आप ख़ुद को महान शो कर रहा हूँ, नहीं, ये एक मोटिवेशन है ताकि आपको भी मोटिवेशन थोड़ी आए, ताकि आप भी ऐसा कुछ करें। ठीक है, ये देखिए सामने, ये सामने परिंदे नज़र आ रहे हैं, ये सामने, ये दिन दिन को दिन कितनी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे ना, ये सारे, ये देख नीचे, ये सब बैठे हुए, ये सब आ रहे हैं, ये खा रहे हैं। ठीक है, कितनी दुआएं मिलती होंगी, अल्लाह पाक कौन से काम में राजी है कोई पता नहीं। ठीक है, तो यही आपकी नेकी काम आ जाए। ठीक है, तो आप भी ज़रूर करें इंशाल्लाह। अभी मैं कुछ जोगर पहनता हूँ तो थोड़ा वॉक पे निकलता हूँ, तो थोड़ा फिर वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अभी मैं जोगर पहन लूँ, फिर बात करता हूँ। अच्छा जी, मैंने जोगर कुछ पहन ली है। ठीक है, और ये है हमारी गुड़िया जोया। ठीक है, ये बहुत ही नटी डॉल है हमारी। ठीक है जोया, बच्चा क्या कर रहे, इधर आओ बाबा, बाबा के पास आओ, आजा 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 आजा, बाबा से बात करें, आजा 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 बाबा। तो अभी मैं निकलता हूँ वॉक पे, और ये हमारी गुड़िया। बाबा क्या कर रहे हो, आओ बच्चे आओ, आज इसको उठाता हूँ। जोया हाय करो, हाय करो, बाय बाय करो, हाय करो। ये देखो बाय कर रही है, हाय हाय कर रही है। ठीक है, ये सुबह सुबह हमसे भी पहले उठ जाती है, पता नहीं इसका क्या 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 ख्वाब होता है, सुबह सुबह सबको उठाती है, इसकी ड्यूटी है सुबह सुबह सबको उठाती है। छोटा भाई जो है ना वो स्कूल जाता है, मैं अभी वॉक करके वापस आऊँगा इंशाल्लाह, नाश्ता तैयार होगा तो मैंने अपनी शॉप पे जाना है। ठीक है, कैसे रोया रोया बच्चा, बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो बाय कर रही है ये हमारी जोया। जोया क्या कर रहे हो, जोया क्या कर रहे हो, ये देखें जी जोया के काम देखें, क्या कर रहे हो, पास में क्या करोगे आप। जोया इधर उधर कर करके, ये मेरा बेटा जी, सामने ड्रेसिंग टेबल है कुछ ऐसे।
हाँ चलें नीचे चलें। हाँ बाबा, अच्छा इसको बंद करो, इसको बंद करो, बंद करो, बंद करो, इसको बंद करो, बंद करो, हाँ बंद करो, बंद करो, शाबाश, बंद करो, हाँ शाबाश बच्चे, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो इसको, इसको ऐसे ऐसे बंद होता है, ये ऐसे बंद होता है, शाबाश, गुड बेटा। फिर भी खोल रहे हो, बड़ा जोर लग रहा है। ये देखो सारा सामान इधर उधर, बच्चे पीछे से भाग के आ रहे, ये आदमी गदर गदर बैठा हुआ है ऊपर। बैठ के जा रहा है गद्दे पे। पैलेट है, गद्दे पे बैठने वाला पैलेट। नहीं बढ़ना थी बस। नहर ये पुल है, इससे ये मिट्टी भर रहे हैं सारे, इसको सैकिंग बोलते हैं, मल्ला मल्ला भर रहे हैं ये, पेपर अपने काम में लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, तो ये ठेका मुका वो मुकमुका कर लेते हैं ठेके पे, तो ये फिर कह रहे राना कपड़े हुए। हाँ वो ये पुराना वाले कपड़े हुए। देखते हैं कौन पहले भरता है, ये वाला कि ये वाला। शाबाश शाबाश शाबाश, ये वाला पहले भर जाएगा, ये भर गया जी वाला। देखा आपने गद्दे पे ना वो मट्टी डाल रहे थे ना, वो जो उसके ऊपर ना वो प्लास्टिक के बोरे होते हैं, बोरे को उनकी वो पैकिंग बना के ना उसमें मिट्टी मट्टी भर के ना, तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना वहाँ पे, ठेका जो इनका होता है, ठेका लगाया होता है, तो फी मरले के हिसाब से या ठेके के हिसाब से कितने मरले यानी कि मट्टी भर के फिर वो अपना, हर कोई अपना रोजगार है भाई, रोजी कर रहा है हर कोई, रोजी के लिए कभी क्या कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। चीज़ वगैरह ले आया हूँ तो ठीक है, कोई ऐसा कुछ है। ठीक है, काफ़ी दिनों से बंद है ना इस वजह से, तो भी कुछ ऐसा हाल हुआ पड़ा है। इधर से भी स्टेप है, यहाँ से नीचे उतरते हैं। ठीक है, को जब गर्मी का सीज़न आएगा फिर इनको साफ साफ सफाई सब करके ना फिर, ठीक है ऐसा कुछ। मैं यहाँ से हवा से गेट बंद हुआ है, और वहाँ से पानी आता है नीचे, सोलर पैनल ऊपर लगाया है उधर, अभी तो घर ले गए हैं। ये है अंदर से, चेयर्स भी बड़ी हुई हैं, ये स्नूकर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हम इसको ना डेरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, डेरे पे जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो दूसरे रूम भी दिखाता हूँ जिसमें ना वो पड़े हुए हैं सारे, ये कुछ ये काउंटर पड़े हुए हैं, सामान मेन जो है ना मैं घर ले गए हैं, क्योंकि हमारे एरिया में ना थोड़ा चोर वगैरह का खतरा ज़्यादा है, इसलिए अभी जा रहा हूँ इसको खोलता हूँ। ये हो गया जी बेड, ठीक है, कम ही यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि
जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तब तो ठीक है, ये ऐसे डेरे के लिए ना कैरम बोर्ड जो होते हैं ना उनके भी पड़े हुए हैं, ये वॉशरूम है ठीक है, ऐसा कुछ ये अटैच ही है। ये दूसरा रूम है यहाँ, सोलर पैनल का सारा सिस्टम यहाँ लगा हुआ था इस गर्मी में, जब हमने इसमें पुल ओपन किया था। बाकी ये कुछ ऐसे अभी तो बंद पड़ा है अभी, जैसा कुछ वो जो खंबा नज़र आ रहा है ना बिजली वाला, वहाँ तक है। ये ऐसे 3 कनाल का प्लाट है ऐसे सब कुछ यहाँ से, ये तो ग्रीन ग्रीन था, आप यहाँ से नीचे उतर था ये 6 फुट की गहराई है, ये स्टेप है दूसरी तरफ से गेट से आते हुए ना, ये स्टेप है नीचे ना। यहाँ से निकासी यानी कि जब फुल हो जाता है ना तो पानी चेंज करना होता है, तो यहाँ से फिर वो खोल के ना पानी चेंज होता रहता है। हाँ जी, रिजर्व कर लिया आपने स्विमिंग पूल का, मेरे का दिखा तो दिया है सब आपको ठीक है। तो ये हमने इसी यानी कि ओपन किया था इसी गर्मियों में ना, गर्मी का सीज़न सारा अल्हम्दुलिल्लाह चला है, तो ऐसा कुछ तो इस गर्मी में इंशाल्लाह इसका कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम बाकी है। ये जो आप दीवारें देख रही हैं ना, देख रहे हैं ये सामने को टूटी हुई है कुछ ऐसे, सारा इनका काम ना गर्मियों को ना कोई मार्च में, फरवरी मार्च में ना इसका काम एंड करके ख़त्म करके ना फिर इसको ओपन करेंगे इंशाल्लाह। तो इस गर्मी में अच्छा सीज़न रहा है क्योंकि पब्लिक के लिए होता है ना, कमर्शियल के चलाना होता है ना हमने, तो आगे शॉप्स हैं ठीक है। तो पहला सीज़न था थोड़ा, इससे पहला सीज़न में तो बहुत डाउन रहा है, तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छा होगा। स्टेशन वो भी इसके साथ ओपन करना है, इस तो भाई ना थोड़ा प्रोजेक्ट बड़ा करके ना, ताकि 3-4 जो है ना बिजनेस इकट्ठे हों इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा ऐसा कुछ। यहाँ बच्चे ये सारा, यहाँ से बच्चे इधर बच्चे नहाते हैं, उधर जो बड़े हो गए वो इधर 6 फुट गहराई है इसकी, यहाँ 3 फुट है, यहाँ बच्चे भी आराम से नहा सकते हैं ठीक है। ये बेशक कोई है कोई 5.5 मरले का, ये 5 साढ़े 5 6 मरले का ये सारा स्विमिंग पूल बना हुआ है, 5.5 6 मरले का ठीक है। ये ऐसा गेट है वापसी जा रहा हूँ, ये ऐसा कुछ व्यू है। फिलहाल तो जुड़ा पड़ा है लेकिन साफ सफाई जब होगी ना तब इंशाल्लाह लुक में आ जाता है। अच्छा जी, वाक से आ गया हूँ मैं वापस, आज कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया था, कुछ ज़्यादा ही वाक पे निकल गया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो गया हूँ रेडी ठीक है शॉप के लिए जाने के लिए ठीक है। ये देखिए ऐसा कुछ ठीक है, तो बस सुबह की रूटीन तो मेरी यही है।